Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 a.m. to 1 p.m. to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello students, good morning. This is Sunil Prajapati, your math teacher. Students, in the previous lecture, we have completed our first exercise, that is 9.1. And in today's lecture, we will discuss about the next exercise, that is exercise 9.2. And the first question of this exercise is, find the sum. That means we have to add some rational numbers. और उसको आप कैसे ऐड करेंगे, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए आपको सिंपल सा रूल याद रखना है, वो ये कि इनका डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, द डिनोमिनेटर शुड बी इक्वल। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, हियर इज 4 एंड हियर इज आल्सो 4, दैट मींस डिनोमिनेटर आपका क्या है, इक्वल है। तो आप क्या करेंगे, यहां पर यू विल राइट 5/4 एंड यू कैन सी दैट हियर देयर आर टू साइन, ओके, प्लस एंड माइनस, एंड ब्रैकेट के बाहर एक साइन है, ब्रैकेट के अंदर साइड में साइन है, प्लस माइनस विल बी माइनस 11/4। अब आपके पास में डिनोमिनेटर है, दैट इज 4, और वो डिनोमिनेटर कैसा है, इक्वल है, सो आप डायरेक्टली क्या करेंगे, न्यूमरेटर को जो है आप सोल्व कर सकते हैं, दैट मीन्स 5 - 11/4 and plus 5 minus 11 will be minus 6/4. So, the sum of these two rational numbers is minus 6/4. आप चाहें तो इसको जो है simplest form में convert कर सकते हैं, that means आप 2 से cut करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, otherwise ये भी आपका answer है, okay? Okay friend, then our next question is 5/3 plus 3/5. Here, the denominator in this rational number is 3 and the denominator of this rational number is 5. That means denominator equal नहीं है, और उसको equal बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, firstly you have to multiply by 5, okay, and then you will get 25/15. The next number 3/5 you have to multiply by 3 and you will get 9/15, ओके, दैट मींस दोनों का डिनोमिनेटर आपका क्या आएगा, 15 होगा। अब ये आप डिनोमिनेटर अपने इक्वल कर दिया है, देन यू हैव टू राइट 25/15 प्लस 9/15। डिनोमिनेटर इक्वल हो गया है, उसके बाद में आप उस नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्शन जो भी करना चाहें कर सकते हैं, ओके, सो वी विल राइट 25 + 9/15 हियर, and 25 plus 9 will be 34, and our answer is 34/15, okay, but here the denominator is smaller than numerator, ठीक है, means denominator अगर आपका numerator से smaller number है, तो आप क्या करेंगे, उसका divide करेंगे 15 का denominator का numerator में, 15 2 30 and minus करेंगे, then remainder will be 4, okay, आप इसको mixed number में convert कर देंगे, and our answer will be 2 integer 4/15, means आपका remainder जो है वो आपका ऊपर रहेगा, जो answer आपका question जो आया है वो यहाँ पर 2 रहेगा, okay, and our answer will be 2 integer 4/15, वैसे जो आप ये रखेंगे तो भी आपका करेक्ट आंसर है, बट जब भी न्यूमरेटर जो है आपका डिनोमिनेटर से बड़ा हो, देन यू हैव टू कन्वर्ट दैट नंबर इनटू मिक्स्ड फ्रैक्शन। ओके स्टूडेंट, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट -9/10 प्लस 22/15, एंड वी हैव टू ऐड दीस टू रेशनल नंबर्स, बट फॉर दैट हमारे पास में जो डिनोमिनेटर है दैट शुड बी इक्वल, मींस 10 और 15 जो है वो इक्वल होना चाहिए था यहाँ पर, और इक्वल बनाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, देखिए
आपको मैंने लास्ट क्वेश्चन में बताया था डायरेक्टली मल्टीप्लाई, अगर आपको डायरेक्टली आइडिया नहीं लगेगा कि किससे मल्टीप्लाई करना है तो उससे बेटर है आप क्या करें, इनका एलसीएम फाइंड कर दें। 10 एंड 15 का आप एलसीएम फाइंड करेंगे, 2 से आप डिवाइड करेंगे, 2 5 जा 10 एंड 15 एज इट इज आएगा, देन यू हैव टू डिवाइड इट बाय 3, 5 में नहीं होगा तो 5 एज इट इज आप लिखेंगे एंड 3 5 जा 15 देन डिवाइडेड बाय 5 एंड यू विल गेट 1। जब तक 1 आंसर ना आए तब तक आप डिवाइड करते रहे, प्राइम नंबर से आपको डिवाइड करना है इसमें। सो वी हैव फैक्टर्स 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ दीज नंबर्स विल बी 30, दैट मीन्स 30 जो है वो एलसीएम है 10 और 15 का, ठीक है। ये अगर आप डायरेक्टली अगर आपको आ जाता है तो भी आप कर सकते हैं, इसको आप सोल्व करके दिखाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो यहां पर 30 जो है वो डिनोमिनेटर होना चाहिए, बट यहां पर डिनोमिनेटर है 10, उसको आप 30 में कन्वर्ट करेंगे, मींस माइनस 10 9 अपॉन 10 मल्टीप्लाई बाय 3, बिकॉज 10 में आप 3 का मल्टीप्लाई करेंगे देन इट विल बी 30, और आप नीचे मल्टीप्लाई कर रहे हैं देन आपको ऊपर भी मल्टीप्लाई करना होगा एंड और आंसर विल बी माइनस 27 अपॉन 30। The next number is 22 upon 15 and we have to multiply this number by 2. Okay, and you, we will get 44 upon 30. Now we can see that the denominator is equal in both the numbers. So we will add these numbers, minus 27 upon 30 plus 44 upon 30. Okay, here the denominator is 30 in both the numbers. So we will write this number as minus 27 plus 44 upon 30. अब एक नंबर जो आपका है that is negative number, जो second number है वो positive number है, ठीक है, means different sign है, तो आप इसको क्या करेंगे, subtract आप इसको करेंगे, 44 में से आप 27 जो है आप minus करेंगे, then our answer will be 17 upon 30. ठीक है, और यहां पर इस आंसर में 17 न्यूमरेटर है और 30 डिनोमिनेटर है, दैट मींस न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर। ओके, तो आप इसको यहीं तक जो है रखेंगे। ओके स्टूडेंट, देन द फोर्थ क्वेश्चन इज माइनस 3 अपॉन माइनस 11 प्लस 5 अपॉन 9। हियर आप देख सकते हैं जो फर्स्ट रेशनल नंबर है दैट इज माइनस 3 अपॉन माइनस 11, माइनस माइनस क्या हो जाएगा यहां पर कट हो जाएगा, दैट मींस माइनस माइनस विल बी प्लस, तो हमारा आंसर होगा 3 अपॉन 11 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 5 अपॉन 9। ओके, मींस आपका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों ही नंबर में माइनस अगर है तो आप उसको रिमूव कर देंगे और आपका नंबर हो जाएगा 3 अपॉन 11 प्लस 5 अपॉन 9। अब इसको आप जैसा हमने जो लास्ट थ्री क्वेश्चन किए हैं सेम मेथड से करना है, दैट मींस डिनोमिनेटर इसको क्या करना होगा, इक्वल करना होगा और इनका एलसीएम जो है वो क्या आएगा, चलिए सॉल्व करके चेक कर लेते हैं। यहां आप 3 से डिवाइड करेंगे, 11 में नहीं होगा, 3 3 जा 9, अगेन 3 से डिवाइड करेंगे देन 11 से एंड द एलसीएम विल बी 3 इंटू 3 इंटू 11 दैट मीन्स 99। ओके, दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है आपका वो 99 होना चाहिए। ओके, तो आपके पास जो नंबर है 3 अपॉन 11, इसमें 11 को 99 कन्वर्ट करने के लिए, इसको बनाने के लिए आप क्या करेंगे, तो आप जो है इसमें 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, और आपने नीचे 9 का मल्टीप्लाई किया है दैट मींस आपको ऊपर साइड भी 9 का मल्टीप्लाई करना होगा एंड आवर आंसर विल बी 27 अपॉन 99। इन द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 5 अपॉन 9 एंड वी हैव टू मेक डिनोमिनेटर 99, और उसके लिए आपका करना होगा 11 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है, एंड योर आंसर विल बी 55 अपॉन 99। Now add these numbers 27 upon 99 plus 55 upon 99. Okay, आप देख सकते हैं दोनों का जो डिनोमिनेटर है वो क्या हो गया है, इक्वल हो चुका है, तो आप इसको क्या करेंगे, वन टाइम लिखेंगे 99 एंड 27 प्लस 55 एंड द सम ऑफ दिस नंबर विल बी 82।
upon 99. Okay, that means 27 plus 55 will be 82 upon 99. Okay student, then our next question is question number 2. Fine, that means आपको सोल्व करना है, जो भी नंबर है, एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, जो भी आपको यहाँ पर दिया हो उसको आपको सोल्व करना होगा. बट मैंने आपको बताया है एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए डिनोमिनेटर जो है वो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए. और डिनोमिनेटर इक्वल होना चाहिए, बट डिनोमिनेटर में हम क्या रखेंगे उसके लिए हमको क्या करना होगा, 24 और 36 का एलसीएम फाइंड करना होगा. And for that we have to divide these numbers by 2, 12 and 18, again divide by 2, 6 and 9, again divide by 2, it will be 3 and 9. अब ना तो 3 में और ना ही 9 में, 2 से divide नहीं होगा आपका, okay? So आपको divide करना होगा 3 से, and 1 and 3, now divide by 3 and we will get 1, 1, okay? So, LCM जो है वो आपका क्या होगा, मल्टीप्लाई दिस फैक्टर्स और इनको मल्टीप्लाई करने पर हमको जो है LCM मिल जाएगा 72 जो है इसका LCM होगा. ओके नाउ आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो आपका है उसको 72 बनाना है. एंड फॉर दैट 7 अपॉन 24 आपको दिया हुआ है, तो इसको 72 बनाने के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 3 का. ओके एंड आवर आंसर विल बी 21 अपॉन 72 एंड द नेक्स्ट नंबर इज 17 अपॉन 36 एंड वी हैव टू मल्टीप्लाई दिस नंबर बाय 2 अपॉन 2 एंड आवर आंसर विल बी 34 अपॉन 72. ओके Now subtract these numbers 21 upon 72 and 34 upon 72. Denominator तो equal है, minus का sign है, आपको subtract करना होगा. देखते हैं कैसे करेंगे, तो 72 21 minus 34, देखो 21 जो है वो एक positive number है, positive integer है, और 34 जो है एक negative number है. दोनों का sign से ही decide करते हैं हम कि plus होगा या minus होगा. ओके तो 34 इज अ नेगेटिव नंबर एंड 21 इज अ पॉजिटिव नंबर, दैट मींस वी हैव टू सबट्रैक्ट देम. तो 34 एंड 21 विल बी माइनस 13 अपॉन 72. ओके फ्रेंड, देन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 अपॉन 63 माइनस माइनस 6 अपॉन 21. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, यहां पर जो हमारा डबल साइन है उसको आप सिंगल साइन में कन्वर्ट कीजिए. That means minus minus will be plus 6 upon 21. And here, अब क्या करना है, यहां पर डिनोमिनेटर जो है आपका वो इक्वल नहीं है, ये 63 है और ये 21 है. That means आपको डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा. And for that, you have to find the LCM of 63 and 21. Okay, आप 3 से डिवाइड करेंगे, it will be 21 and it will be 7. अगेन डिवाइड बाय 3 एंड यू विल गेट 7. इसमें तो होगा नहीं, तो इसको एज इट इज आप रखेंगे. नाउ आप डिवाइड करेंगे 7 से एंड यू विल गेट 1 1. अब आपको क्या करना होगा, यहां पर 3 × 3 × 7, दैट मींस जो आपका एलसीएम है वो है 63. ओके दैट मींस आपका जो डिनोमिनेटर है वो क्या होना चाहिए, 63 होना चाहिए. बट 5 अपॉन 63 में तो ऑलरेडी डिनोमिनेटर आपका 63 ही है, तो इसमें आप किसी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, 5 अपॉन 63 एज इट रहेगा. ओके देन आवर नेक्स्ट नंबर इज 6 अपॉन 21 और इसको डिनोमिनेटर आपको 63 बनाने के लिए आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 3 अपॉन 3 से एंड यू विल गेट 18 अपॉन 63. ओके हियर आप देख सकते हैं कि 5 अपॉन 63 और 18 अपॉन 63 में डिनोमिनेटर जो है वो क्या है, 63 है. ओके दैट मींस डिनोमिनेटर इज इक्वल हियर. सो हम कैसे ऐड करेंगे इसको, वी विल राइट 63 देन 5 प्लस 18 एंड 5 प्लस 18 विल बी 23 अपॉन 63. सो दैट्स द आंसर.